हेलोवीन पार्टी। गट्टू नई चीजों के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक दिन मम्मी ने गट्टू को मार्केट से सामान खरीदने के लिए मार्केट भेजा। गट्टू ने मम्मी ने बताई सारी चीजें खरीद ली। उसे मार्केट में एक दुकान दिखा, जहाँ पर गट्टू ने देखा कि दुकान में डरावनी चीजें बेची जा रही है, जैसे कि भूत वाली टोपी, डरावने मास्क और पम्पकिन। अरे बाप रे, ये कितनी डरावनी चीज है, क्या बात है, इससे तो कोई भी डर जाएगा। गट्टू दुकान में पहुंचा। ये सब हेलोवीन पार्टी की तैयारी है। हेलोवीन नाइट के लिए घोस्ट मास्क और कॉस्ट्यूम लीजिए। अरे हाँ, 31 अक्टूबर आ रहा है और ये हेलोवीन पार्टी के लिए है, मैं तो भूल ही गया था, थैंक यू अंकल। गट्टू दुकान से बाहर निकला और सोसाइटी कंपाउंड में पहुंचा। वहाँ पर सभी बच्चे खेल रहे थे। दोस्तों सुनो, मेरी बात सुनो। गट्टू ने सभी को एक जगह पर इकट्ठा किया। क्या हुआ गट्टू, तुम मार्केट से बहुत जल्दी लौट आए, मम्मी ने जो सामान मंगाया था वो तुम ले आए? हाँ चिंकी, मार्केट से तो मैं लौट आया, लेकिन जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो। 31 अक्टूबर को हेलोवीन होता है और हम सोसाइटी में हेलोवीन सेलिब्रेट करेंगे। हेलोवीन क्या होता है? हेलोवीन में तो घोस्ट और स्पिरिट की तरह कॉस्ट्यूम पहनकर घूमना होता है ना? लेकिन गट्टू, मुझे नहीं पता कि हेलोवीन कैसे सेलिब्रेट करते हैं। सही कहा बंटी, काफी लोगों को तो पता ही नहीं है कि हेलोवीन कैसे मनाया जाता है, इसीलिए इस साल हम हमारी सोसाइटी में हेलोवीन पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, उसके लिए हम तैयारी भी करते हैं। चलो चलो। गट्टू और चिंकी घर पहुँचे। लेकिन गट्टू, कॉस्ट्यूम के लिए कुछ आइडिया है क्या? बाकी फ्रेंड्स को भी थोड़ा आइडिया दो ना। डोंट वरी, If Gattu is here, then why fear? Fear? हाँ, डरावना अवतार बनना जरूरी होता है ना? समझ गई। तभी मम्मी और पापा ने गट्टू चिंकी की बात सुनी। गट्टू चिंकी, किस बारे में बात कर रहे हो? फिर गट्टू और चिंकी दोनों ने मिलकर पापा को हेलोवीन पार्टी के बारे में बताया। अरे वाह, अच्छा आइडिया है बच्चों। हमारे सोसाइटी में डिसोजा अंकल हर साल अपने बेटे के घर हेलोवीन के लिए चले जाते हैं, लेकिन इस साल उन्हें सोसाइटी में ही हेलोवीन का मजा मिलेगा। बच्चों, ट्रिक और ट्रीट के लिए जरूर आना। यस मम्मी। शाम को ठीक 7 बजे सभी बच्चे हेलोवीन पार्टी के लिए तैयार हो गए। गट्टू ने स्केलेटन मास्क पहना, जिससे वो बिल्कुल भी पहचाना नहीं जा रहा था। चिंकी ने व्हाइट वीच का गाउन पहना। इसी तरह से सोसाइटी में भी कई तरह की डरावनी चीजें लगाई गई। सोसाइटी को पूरी तरह से हंटेड बिल्डिंग बनाया गया। बाप रे, हमारी सोसाइटी कितनी डरावनी लग रही है। चिंकी मुझे बताओ ना, मैं डरावनी तो लग रही हूँ ना? अरे हाँ पिंकी, तुमने गलत मेकअप कर लिया है, तो तुम डरावनी तो लगोगी ही ना। गट्टू अब बताओ कि आगे क्या करना है। अब जब हम सभी लोग हेलोवीन के कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार हो गए हैं, तो अब हमें ट्रिक एंड ट्रीट कैंडीज के लिए घर घर जाना होगा। फिर क्या था, गट्टू और चिंकी की टोली हेलोवीन के फुल कॉस्ट्यूम के साथ पहुंचे बंटी के घर। बंटी की मम्मी ने दरवाजा खोला और बंटी की मम्मी चौंक पड़ी, जो सुनकर बंटी के पापा भी बाहर आए। ये क्या है, कौन हो तुम लोग? हैप्पी हेलोवीन अंकल एंड आंटी। ओ हेलोवीन, हैप्पी हेलोवीन बच्चों, इस साल हमारे सोसाइटी में भी हेलोवीन। वाह बढ़िया है, बंटी की मम्मी बच्चों के लिए कैंडीज ले आओ। बंटी की मम्मी ने बच्चों को ढेर सारे चॉकलेट्स और कैंडीज दिए। उछलते कूदते बच्चे अगले घर पहुंचे। गट्टू और चिंकी सभी दोस्तों के साथ चंचलानी अंकल के घर पहुंचे। चंचलानी अंकल को भी हेलोवीन पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो भी बहुत ज्यादा डर गए, लेकिन फिर गट्टू ने उन्हें समझाया। चंचलानी अंकल, हमारी सोसाइटी में हेलोवीन कभी सेलिब्रेट नहीं हुआ, इसीलिए हम सब ने मिलकर सोचा कि हेलोवीन तो सोसाइटी में भी होना चाहिए। हमने पूरी सोसाइटी को एक हॉन्टेड बिल्डिंग कर दिया। अब आप हमें ट्रिक एंड ट्रीट के इस अवतार पर ढेर सारी चॉकलेट और कैंडीज दीजिए। ओहो अच्छा, ऐसा है, तो फिर कुछ परफॉर्म करके दिखाओ। तुम्हें क्या लगा, मुझे हेलोवीन के बारे में कुछ भी नहीं पता? ओके अंकल, हम आपके लिए एक्ट करते हैं। गट्टू और चिंकी ने मिलकर हॉन्टेड राजा का एक्ट किया, जिसमें गट्टू राजा बना और उसने अपने सारे दुश्मन भूतों को मार गिराया।
भूषण, चिंकी, पिंकी, बंटी सभी बच्चे गट्टू के दुश्मन भूत बने और सबको गट्टू ने मार भगाया। इस तरह से चंचलानी अंकल खुश हो गए और बच्चों को ढेर सारी कैंडीज दी। हेलोवीन नाइट में तो बहुत मजा आ रहा है, चलो अब हम डिसूजा अंकल के घर चलते हैं। फिर क्या था, किसी भूतों की तरह उछलते कूदते बच्चे बहुत जल्द डिसूजा अंकल के घर पहुंच गए। गट्टू ने डिसूजा अंकल का दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद अंकल ने दरवाजा खोला। अंकल हम घोस्ट बने हैं, हमें कैंडीज दीजिए और देखिए हमने पूरी सोसाइटी हेलोवीन पार्टी के लिए सजाई है, बताइए आपको कैसा लगा। अरे वाह वाह, मुझे लगा इस साल मैं हेलोवीन सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन थैंक यू सो मच बच्चों, तुमने सोसाइटी को वाकई एक हॉन्टेड बिल्डिंग बना दिया। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। डिसूजा अंकल ने गट्टू, चिंकी और सभी दोस्तों की बहुत तारीफ की और उनके लिए ढेर सारी कैंडीज भी लेकर आए। इस तरह से गट्टू चिंकी अपने घर गए और मम्मी और पापा से भी ढेर सारी कैंडीज ली। सोसाइटी में हर घर जाने के बाद गट्टू और चिंकी कंपाउंड में आकर ठहरे। उसके बाद मम्मी पापा भी कंपाउंड में आ गए। गट्टू चिंकी कैसी रही तुम्हारी हेलोवीन नाइट? बहुत अच्छी पापा, देखिए हमें कितनी सारी कैंडीज मिली। तुमने सोसाइटी काफी अच्छी तरह से सजाई है, बिल्कुल डरावनी लग रही है। हेलोवीन के लिए मेरी तरफ से सरप्राइज। तभी सोसाइटी गेट से कुछ आदमियों ने बड़े बड़े बर्तनों में पापा के कहने पर ढेर सारी मिठाइयाँ और कैरमल कैंडीज लाई। सभी भूत बने बच्चे उछल पड़े, सभी चॉकलेट्स एंड कैंडीज और कैरमल कैंडी के साथ एंजॉय करने लगे। कुछ देर बाद सुखविंदर अंकल सोसाइटी में पहुंचे। ओए होए, ये कहाँ आ गया, ओए इतनी डरावनी बिल्डिंग। गट्टू भूत के अवतार में उनके सामने जा पहुंचा। सुखविंदर अंकल डर गए। अरे अंकल डर गए क्या? ओए ओए ये क्या हो रहा है हमारे सोसाइटी में? अंकल आज हेलोवीन नाइट है और हम सब ने मिलकर हेलोवीन नाइट सेलिब्रेट की। देखिए पापा ने हम सबके लिए कैरमल कैंडी भी लाई है। डिसूजा अंकल भी सबके साथ जुड़ गए। बच्चों तुम्हें पता है हेलोवीन के दिन हमारे पूर्वज धरती अपने अपने परिवार से मिलने आते हैं और वो हमें पहचान पाए इसलिए हम घोस्ट बनकर उनका वेलकम करते हैं। अच्छा इसका मतलब हमने उन सबको घोस्ट बनकर खुश कर दिया ना डिसूजा अंकल? हाँ हाँ वो जरूर खुश हो गए होंगे। हैप्पी हेलोवीन। हैप्पी हेलोवीन।